नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कारकुन और तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा जनाब शेख राजा साहब मौजूद है। शेख राजा साहब के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सामाजिक खिदमत में सबसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। शेख राजा से हम बात करेंगे और जानेंगे आज के जो मौजूदा सूरत हाल है हिंदुस्तान के, बंगाल के, सभी बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे, जानेंगे। आइए सुनते हैं कि शेख राजा का इस बारे में क्या कहना। राजा भाई ये बताइए कि पहले, सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पर आज 26 जनवरी है, उसके बारे में आप बताइए, लोगों को पैगाम दीजिए। आज 26 जनवरी आप सभी लोगों को मुबारक हो। आज के दिन हम लोग का संविधान का ओपनिंग डे था और ये संविधान हम लोगों को ये सिखाता है जो आर्टिकल 19 ये कहता है कि जो बाबा राम अम्बेडकर ने ये संविधान उठाकर हिंदुस्तान के लोगों को दिया, वो संविधान हमें ये कहता है कि हर मज़हब एक जगह रहे। आर्टिकल 19 यही कहता है कि आप अपने मज़हब के बात और अपनी पैगाम किसी को भी आप दे सकते हैं, ये आपको हिंदुस्तान में रहने का राइट है और बोलने का राइट है। और राजा साहब आपने देखा कि ममता बनर्जी को जय श्री राम एक अच्छा स्लोगन है सभी के लिए, हिंदू हो उनके लिए जान से प्यारा, सभी के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके ज़रिया लोग चिढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ममता बनर्जी जब वहाँ एक सरकारी प्रोग्राम में आई थी आपके विक्टोरिया मेमोरियल में, वहाँ बीजेपी के कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगा के उन्हें एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की, उन्हें ललकारा, ऐसा कोशिश किया कि वो कुछ ऑल फॉल बक दे, आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, परशुदन राम नाम इतना अच्छा नाम है, उनका जो पैगाम था एक अमन का पैगाम था। क्या किसी को मारने पे उन्होंने कभी अपना नाम को इस्तेमाल किया? नहीं किया। और मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि ये जो दीदी को ये जो दिखाने मांग रहे हैं, ये हमेशा बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, जीत जाऊंगा, ये करूंगा, ऐसा मैं हाथी मार दिया, मैं घोड़ा मार दिया। अब आप एक बात बताइए, अगर इनकी बकरी दूध नहीं देगी तो इसके लिए क्या हमारी चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार है? अगर इनका बैल दूध नहीं देता हो तो क्या हमारे अभिषेक बनर्जी जिम्मेदार है? हा? अब ये पूरे कॉन्सेप्ट में ये लोग यहाँ पर ही बहुत कुछ कर कर भी देख रहा, हम लोग नहीं पार पा रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, दीदी हमारी बंगाल की शान है, दीदी हमारी बंगाल की आन है, दीदी हमारे बंगाल के बच्चे बच्चे लड़कों के संग में, बच्चियों के संग में काम करती है, दीदी हमारे संग बंगाल में घर में रहकर भी काम करती है, दीदी बंगाल में हर एक इंसान से मिलने की कोशिश की है, अगर अपने से नहीं हुआ तो द्वारे सरकार के माध्यम से हुआ, हर से रिपोर्ट ली, हर कोई को बोला गया कि आप अगर पार्टी में हो आप काम करो। आज यहाँ काम को पूछा जाता है, आपको जो बोलना है बोलो ना, आप बोलने से क्या आप सत्ता हासिल कर लोगे? ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो काम हमारे चीफ मिनिस्टर कर रही है बंगाल में, इसमें मैं आपको कह देता हूँ कि इनको कामयाबी की मंजिल मिल चुकी है ऑलरेडी। उस चीज़ से इन लोगों को डर है जो उन लोग ये पागलपंती कर रहा है। अब एक बात बताइए आपको, सुबिंको अधिकारी चला गया बीजेपी पे, आज अगर उसको टीएमसी पार्टी सपोर्ट नहीं करता तो क्या वो सुबिंको अधिकारी बन सकता था? ये एक अजब सा सरफ एक्सल साबुन निकला है जो बीजेपी पे जाए, वहाँ पर जाके ये वॉशिंग मशीन में जो मिक्स होके जो ये साफ सुथरा हो जाता आदमी, तो इसको क्या कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो ये वो सरफ का कमाल कर रहा है वो लोग। आपका पास में जो गया वो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आ गया, इसलिए कि आप तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं ना कि जो बीजेपी किया वो सही, जो और कोई पार्टी किया वो गलत। तो ये कब तक चलेगा? और आपने देखा कि यहाँ पर बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं और कोशिश में लगे हुए हैं यहाँ एक तरह से अराजकता फैलाने के लिए, ताकि यहाँ पर एक फसाद की सूरत हाल हो जाए, और ये भी कोशिश कर रही है कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ जाए, बहुत दिनों से इनकी कोशिश हो रही है ताकि वो सत्ता हासिल करें। आपको क्या लगता है कि अगर 2-3 महीना बाद चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है एमएलए का, तो इसमें उनकी क्या पोजीशन होगी और दीदी कहाँ खड़ी रहेंगी? मैंने अभी आपको कहा ना कि जब जो इंसान को मालूम होता है कि मुझे सत्ता हासिल नहीं होगा तो वो पागलपंती पहले से करता है। हमारी दीदी क्या कहीं कुछ बोल रही है? दीदी तो बंगाल को एक फ्रेश तरीके से रखी है कि अगर आज ठाकुर विसर्जन है
तो उसको ठाकुर को विसर्जन करने के लिए मुसलमान लोग जा रहा है। तो आप बंगाल का राजनीति में, बंगाल का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो देख के यहाँ के लोग फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे क्या बीजेपी कामयाब होगी? ये हरगिज से हरगिज नहीं होगी। इन लोगों को अपना कॉन्सेप्ट पहले पता चल गया है कि हम यहाँ पे कामयाब नहीं है, तो अब क्या करेंगे हम लोग? एक पागलपन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, बंगाल का लोगों का कहना ये है कि हम गांधी के नाम पे मरने को तैयार है, नाथूराम के नाम पे जीने को तैयार नहीं है। और इसके अलावा राजा भाई, आपने देखा है कि यहाँ पर बीजेपी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी और भाईजान हैं, इन लोगों ने मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि माइटी के वोट ये लोग हासिल कर लें, तो इससे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा बात बोलना चाहता हूँ। दुकान कई है, ख़रीदार भी बहुत है। आप चीज़ अच्छा रखिएगा तो आप आदमी आपके ही दुकान में आएंगे ना। हाँ, कोई भाईजान आए या कुछ भी आए, हमारे मेयर साहब तो काम कर रहे, कैसा काम कर रहे? आज हमारे मेयर साहब के काम से आज यहाँ पर ही सब इतने खुश है जिनका कोई जवाब नहीं है, वो खुद में एक लाजवाब है। लेकिन ये जो भाईजान का जो मसला, जो असदुद्दीन ओवैसी का आप मसला बता रहे, भाईजान का मसला बता रहे, ये आके क्या करेंगे बंगाल में? बी टीम का काम करेंगे? बंगाल का राजनीति में ऑलरेडी भाईजान को समझ में आ गया है कि यहाँ पर ही कुछ भी चलने वाला नहीं है। अरे आप बताइए ना, वो बम्बई संभाल सके क्या? वारिस पठान तो चला गया, एक MLA था बम्बई में, वारिस पठान, हरा ना वो? हरा या नहीं हरा? आप हमको ये बताइए, हैदराबाद में उनका 7 सीट है, तो आज तक का वो हैदराबाद में क्या किया? काम करना होगा, जैसे हमारे दीदी ने यहाँ पे काम किया, द्वारे सरकार का काम किया, हेल्थ इंश्योरेंस का काम किया, कन्याश्री का काम किया, रूपोश्री का काम किया, इसको बोला जाता है काम? और आज इलेक्शन है, तो आज ही हम अगर किसी के घर पे जाएंगे तो हमको लोग पसंद करेंगे क्या? दीदी ने कहा एक ही बात कि ये जो द्वारे सरकार का काम है, आप जाओ वहाँ पर, जाके मजबूरी पूछो कि वहाँ पे उन लोगों का मजबूरी किया है, तो सब अपने अपने वार्ड में किए, तो इस काम को पूछा जा सकता है। और ये इसके अलावा और जो मसला है देश का, वो ये है किसानों का। कई दिनों से लगातार ये लोग तहरीक चला रहे हैं, 163-164 लोग मारे गए, आज भी एक किसान भाई मारा गया है, लेकिन सरकार किसी भी सूरत में बिल वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रही। आखिर इसकी क्या वजह है, वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, किसान लोगों का जो आपने मसला कहा, मैं तो आपको एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ आपके जनता टीवी हिंदुस्तान के माध्यम से, कि आपने जो भी कुछ किया मन के बात के मुताबिक किया, तो मेरा बोलने का मतलब यही है, क्या आप एज अ प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से एक अच्छा बात कहकर और एक अमन का पैगाम देकर और वो किसानों की ठौस को महसूस कर कर और उनके हक की बात को सुन लेना, यही तो एक प्राइम मिनिस्टर का फ़र्ज बनता है। आप अगर जो इंसान आपको इक्तदार की कुर्सी पे बैठाया, आप अगर उनकी हक की बात को नहीं सुनेंगे तो किनकी हक की बात को सुनेंगे? राजा साहब ने बहुत शानदार बात कही। और राजा साहब, एक और ये भी मैं जानना चाहूँगा कि सामने इलेक्शन हो रहा है, तो आप क्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे और किसके हक में आप चाहेंगे किसकी सरकार यहाँ रहे? बंगाल में हमारे बंगाल में जो जिस भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, हम लोग यहाँ राम को भी मानते हैं, हम लोग यहाँ कृष्ण जी को भी मानते हैं, हम लोग यहाँ पर ही फादर को भी मानते हैं, हम लोग यहाँ पर ही हर धर्म को हम लोग मानते हैं। और हर धर्म के लोगों से हम लोगों का ये कहना है कि आप लोग अपने तादाद से बैठकर कन्विंस कर ये बोलिए कि हम लोगों को एक अगर रहना है तो हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को कामयाब करना है। तो आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार हो, दोबारा वो सरकार हो, और लोगों से भी आप अपील करना चाहते हैं कि, तो आखिर क्या वजह है कि ममता ने क्या क्या काम किया, किस वजह से आप चाहते हैं कि ममता बनर्जी दोबारा रहे?
मैं आपको छोटा सा बात बता देता हूँ। आज आप घर से बाहर निकलते हैं तो क्या आपको किसी कोई तंजबाजी करता है? कोई आपके ऊपर जुल्म करने का कोशिश करता है? कोई आपके घर पे ईटा या कुछ भी चलाने का कोशिश करता है? तो ये मुमकिन किसके वजह से है? जब हमारे वजीरे आजम जो चीफ मिनिस्टर हमारे बंगाल की जो वजीरे आजम है ये जब काम अच्छे से कर रहे हैं तब ना हम लोग घर में आराम से सो रहे हैं। और भी बहुत सा काम है जहाँ ग्राम में बच्चा लोग हवाई चप्पल पहनकर स्कूल जाया करता था तो उन लोगों को हमारी दीदी ने जूता मुहैया किया, उन लोगों को हमारी दीदी ने किताब मुहैया किया, उन लोगों को हमारी दीदी ने बैग मुहैया किया। ऐसे कितना काम बताऊं साहब, बहुत काम है जो आपके नज़र के सामने हर एक दिन ही वो कर रही है हमारी दीदी काम। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के रखती है। बंगाल में उनका काम का डंका और चर्चा बोल रहा है, गूंज रहा है। जैसे आपने सुना ना कि थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, कुछ नहीं। बंगाल में अगर थाली बज रहा है किसी का नाम का तो हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बज रहा है और कोई नहीं। नो फॉर नेबर, ओनली फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी, ओनली फॉर दीदी। और बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं तो उनका दावा में कितना सच्चाई आपको लग रहा है या यूं ही कर रहे हैं या लोगों को भरम में डाल रहे हैं? ये कोई दावा, कोई पावरफुल दावा नहीं है। मैंने आपको बहुत दिन आगे भी आपके स्पीच में मैं जनता टीवी के माध्यम पे बोला था कि अलगत नगरी छलकत जाए, ये कबीर दास का दोहा है कि अगर आप भरे बाल्टी पानी लेके जाओगे तो वो छलक के गिरेगा और अगर उस बाल्टी के पानी को कम कर दिया जाए तो पानी कभी भी नहीं गिरेगा। तो ये चॉइस आपको समझ जाना चाहिए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। धर्म का राजनीति और एक कर्म का राजनीति और एक मोहब्बत का राजनीति। तो मोहब्बत का राजनीति करने वाले का नाम ममता बनर्जी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थे शेख राजा और जैसा कि आपने सुना इनकी बातें, इन्होंने पूरी तफसील के साथ तमाम मुद्दों पर इन्होंने बात रखी। किसानों के सिलसिले में कहा, ममता बनर्जी को दोबारा क्यों आना चाहिए इसके बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को क्यों नहीं आना चाहिए ये भी बताया, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी के आने से यहाँ फिर वो फसाद वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा इसलिए। और उन्होंने ये भी बताया कि ममता क्यों चाहिए, डेवलपमेंट के काम गिना दिए हैं कि ममता बनर्जी ने कितने काम किए हैं। यहाँ अमन और शांति से लोगों को रखा है, भाईचारा है, हिंदू मुसलमान मिलजुल कर रहते हैं। इसलिए इनका कहना है कि इस बार भी तीन बार, दो बार ममता बनर्जी की सरकार रह चुकी है, एक बार और ये चाहते हैं कि तीसरी बार भी ममता की सरकार रहे। और लोगों से उन्होंने अपील भी की कि ममता के हक में ही आप वोट डालें। बहुत शुक्रिया शेख राजा साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। शुक्रिया।